अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं कीलेट से कि व्हाट आर कीलेट्स और उसकी कैरेक्टराइजेशन क्या है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इनके बारे में स्टडी किया था, ठीक है। तो आज जो है ना, मैं इसी कीलेट्स पे दोबारा आ रहा। आप ये जानते हैं कि जो जो कीलेट्स होते हैं वो रिंग कंपाउंड्स हैं, रिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, और दे आर मोर स्टेबल देन दी नॉर्मल मोनोडेंडेट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब जब कोई रिंग बनता है तो उसके रिंग साइज होता है, ठीक है। समटाइम्स वो आप कह सकते हैं 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड एंड सो ऑन। तो ये याद रखें कि 5 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल, ठीक है, देन एनी अदर फॉर्म ऑफ रिंग, ठीक है। जिसमें ये याद रखें कि 5 मेंबर्ड रिंग, वो 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल हैं, यानी 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग कीलेट कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल हैं, जिनमें रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर 6 मेंबर्ड कीलेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस दे आर मोर स्टेबल। इससे ऊपर के कॉम्प्लेक्सेस या इससे नीचे के कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल नहीं होता। वजह क्या है, क्यों स्टेबल है? बिकॉज इनमें रिंग स्ट्रेन नहीं होता, ठीक है, इसलिए ऐसा है। जैसे आप ये जानते हैं कि दिस इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड है और इसने एक मेटल के साथ लिंक किया हुआ, तो ये कीलेट कंपाउंड नहीं है। लेकिन अगर बाइडेंटेट लिगेंड है और उसने कम्प्लेक्स किया हुआ है, तो ये फिर एक कीलेशन जनरेट हुई है, और इसमें नंबर ऑफ रिंग मेंबर्स अगर चेक करें, 1, 2, 3, 4, 4 मेंबर रिंग है। सेम दिस इज अ ब्रिज्ड लिगेंड, ये एक ब्रिज्ड है, ये ब्रिज क्रिएट करता है, ये एक मेटल है अटैच है, इधर से ये मेटल अटैच, और आगे फिर ये लिगेंड अटैच होगा, वो भी कीलेशन करेगा। यहाँ पे देखें, ये 4 मेंबर रिंग है एंड सो ऑन। सो ये सारे के सारे जितने भी हैं, दे दीज आर कीलेट कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है अगली चीज जो कीलेशन में है, वो है स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस। आप सबने सुना होगा, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है किसी ग्रुप के अंदर, तो फिर उसकी जो कीलेशन है वो कीलेट कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल नहीं बनेगी, इसलिए वो फिर कोशिश होगी उसकी कि वो नॉन कीलेशन या ब्रिज्ड में जाए, बाकी किसी दूसरी स्टेट चला जाए। There are some other examples of chelate complexes, जैसे for example ये हमने last देखा है, इसकी example है ये बस tetramine tricarbonyl cobalt complex, ठीक है। इसी तरह this is hexadentate complex, this is pentadentate complex, this is tetradentate complex PDTA, ठीक है। इसी तरह it's bidentate ligand या didentate, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। ये जो जो लिगेंड है ये डाइडेंटेट है, ठीक है, इसकी वजह से बना है। सो दिस दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कीलेट कॉम्प्लेक्सेस। अगर आप देखें तो ये 5 मेंबर रिंग है इसमें, ठीक, इसमें कितने मेंबर रिंग है, दिस इज अ 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। ये वाला देखें आप अगर, तो इसमें चेक करें अगेन 5 मेंबर रिंग, ठीक, यहाँ देखें अगेन 5 मेंबर रिंग एंड सो ऑन। सर स्लाइड शो सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। स्लाइड शो नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, आपको ये मिल जाएगी। आपको जो है ना, ये जो वीडियो है ना, ठीक है, इसकी भी वो भी मिल जाएगी, ठीक। अब ट्राई करना है दोबारा से शेयरिंग पर ले जाए, अब शायद आपको शो हो। जब शो हो तो मुझे बताना पड़ा। जी हुआ शो, यस सर, अब हो सर। रही है। ओके, 6 मेंबर रिंग ये देखें जरा, अगर आप यहाँ पे, सॉरी 5 मेंबर रिंग, ये वाला 5 मेंबर रिंग है, इसमें भी 5 मेंबर रिंग है, इसमें भी 5 मेंबर रिंग, इसमें भी 5 मेंबर रिंग। तो ये सारे जो है ना एग्जांपल्स हैं कीलेट कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। सो ऊपर जो है ना, आपको ये शो हो रहा है डिफरेंट लिगेंड्स और उनका फिर इंटरेक्शन, ठीक है जी। अब आते हैं टूवर्ड्स द
nomenclature of coordinate complex. Okay, so again start करें nomenclature of coordinate compounds का. ठीक है, nomenclature में हम पूरे compound complex को नाम कैसे देंगे इसको हम जरा देखेंगे. इसका जो तरीकाकार है, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स हमेशा आपने स्टार्ट करना है स्मॉल लेटर से और फुल जो नेम है वो एक कंप्लीट वर्ड की फॉर्म में लिखना है. ठीक है, आपने विदाउट एनी गैप एंड एनी स्पेस. अब जो सबसे अहम चीज होती है लिगेंड कॉम्प्लेक्स के नाम प्रेशर में वो होता है लिगेंड का नाम. तो आप ये याद रखें कि अगर आप एक आपके पास कैटाइन दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें दो जिसमें कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स भी होता है रेनाइनिक कॉम्प्लेक्स भी होता है, तीसरा होता है न्यूट्रल. तो जो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है या पॉजिटिव आइन है उसे आपने सबसे पहले लिखना है, चाहे वो काउंटर आइन है या कॉम्प्लेक्स आइन. और जो नेगेटिव है एनाइन जो है, कैटाइन का नाम हमेशा पहले लिखेंगे, एनाइन का नाम हमेशा बाद में लिखेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इस केस में आपने सबसे पहले जो नाम लिखना है ना वो आपने लिखना है बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स का, बिकॉज इट्स अ कैटायन. ठीक है, और इस केस में सबसे पहले नाम किसका लिखना है, सोडियम का, किस कैटायन. अच्छा, जो नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स है, जैसे नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन अगर आपके पास है या कॉम्प्लेक्स एनायन है, कि उनको जब आप लिखना है ना, आप कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स आइन का नाम जो है लिखने में सबसे पहले नाम आपने लिगेंड का लिखना है जो कोऑर्डिनेशन से पेयर के अंदर, और ये नाम जो है वो अल्फाबेटिक लिखना है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिगेंड है, ठीक है, जैसे आपके पास लिगेंड है डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, आपके पास है जनाब जैसे नेगेटिव लिगेंड, तो नेगेटिव लिगेंड है उसका नाम के आखिर में ओ लगेगा. जैसे साइनाइड जो है उसका लिगेंड में एज ए लिगेंड ऐड कर रहा होगा उसका नाम साइनाइडो, ओ एच हाइड्रोक्सीडो, ठीक है, ओ नेगेटिव टू ऑक्सीडो एंड सो ऑन, एन एच जो है वो इमीडो, एन नेगेटिव थ्री जो है नाइट्रीडो, एच एस नेगेटिव जो है हाइड्रोजन सल्फीडो. इसी तरह जिन जिनका नाम आई टी ई से एंड होता है, लिगेंड के केस में उसको आपने ए टी ई से एंड कर देना. ठीक है, एंड ए टी ई से कर सकते हैं या आई टी ओ से कर सकते हैं. सॉरी, जो लिगेंड है ना उनका नाम का एंड किसे करते हैं, आई टी ओ से या ए टी ओ से. जैसे सल्फाइट का लिगेंड के केस में नाम क्या होगा, सल्फाइटो, नाइट्राइटो, कार्बनेट, कार्बनेटो, सल्फेटो एक्सेट्रा. इसी तरह नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड जो है वो स्पेशल नेम आपने देनी. जैसे वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड, इसका स्पेशल नाम एक्वा है. ठीक है, ये है ट्राइअल्काइल आर्सीन, आर्सीन ये न्यूट्रल लिगेंड है. नाइट्रोसाइल, इथीन, फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, मिथाइलमीन, नाइट्रो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड. इसी तरह पायरिडीन, डाइऑक्सेन. अब आप यहां देखें अमोनिया NH3, इसका नाम है अमाइन, ए डबल एम के साथ, डबल एम आई एन ई अमाइन है. आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो ए एम आई एन ई होता है अमाइन, ये ए डबल एम आई एन ई है. ठीक है, सो इन चीजों को ध्यान में रखना है. पॉजिटिव अगर आपके पास है तो उसका नाम डिफरेंट होगा, आई यू एन से नॉर्मली एंड होगा अगर वो पॉजिटिव लेगेंड है. जैसे हाइड्रोजीनियम, जैसे नाइट्रोसोनियम, जैसे पायरिडीनियम, ये सारे इसी तरह के. इसी तरह कुछ ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स होते हैं दैट आल्सो एक्ट एज अ एज अ एज अ लिगेंड, जैसे मिथाइल है, जैसे थाइल है, ठीक है, साइक्लोपेन पेंटाडाइनाइल है, फिनाइल है, दे ऑल आर एक्ट एज अ लिगेंड, ये इनके नाम है. कुछ एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड आपने हमने पढ़ा है कि एम्बिडेंट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनमें दो डोनर साइट्स होते हैं. जैसे SCN में S भी डोनर है और N भी डोनर है, तो आप क्या कह सकते हैं, थायोसाइनेटो, राइट, इनका नाम है थायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो. ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं. थ्रू N हो तो थायोसाइनेटो और थ्रू S हो तो थायोसाइनेटो, एक इजाफा हो जाएगा.
OCN, इसको कहते हैं साइनेटो, एन के ऊपर अगर वो आपके पास आता है। अच्छा उसके बाद है नाइट्रो, नाइट्रो आपका नाइट्रो है ठीक है। साइनाइड CN जो है सियानो, अगर थ्रू कार्बन डोनेशन हुई और अगर थ्रू नाइट्रोजन हो रही है तो किसके आते हैं आइसोसायनो। इसी तरह आइसोसाइनेटो, और यहाँ क्या था साइनेटो, तो ये आइसोसाइनेटो हो गया। इसी तरह नाइट्रो और ये नाइट्रीटो अगर ये ऑक्सीजन के थ्रू है ठीक। अब आपने नेमिंग को देखना है कि अल्फाबेटिकली पैटर्न को फॉलो करना है, तब वो नाम जो है वो अल्फाबेटिकली लिखना है। इसी तरह प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा भी आपने लीगेंस के साथ लगाना है। ये वो चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी बीएस में पढ़ी हुई है, बट जस्ट टू रिमाइंडर एंड जस्ट फॉर प्रैक्टिस। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो एक या इससे ज्यादा हो ठीक है, सो वन सेम लीगेंड, देन किसी एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लीगेंड है वो एक या एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा जब भी होंगे उनके साथ आप ट्राई टेट्रा हेक्सा प्रीफिक्स लगाएंगे टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लीगेंड। इफ लीगेंड नेम कंटेन्स डाई ट्राई एज अ पार्ट ऑफ लीगेंड नेम, अगर आपका कोई लीगेंड ऐसा है जिसका नाम ही डाई ट्राई है एक्चुअल में, तो फिर आप उसके नंबर शो करने के लिए डाई ट्राई नहीं लगा सकते। फिर आप उसके लिए जो लगाएंगे वो बेस ट्रेस टेट्रा केस पेंटा केस हेक्सा केस वगैरह वगैरह, ये लगाएंगे लीगेंड नेम के साथ राइट। समझ आ गई। एंड इट शुड बी प्लेस्ड इन द, और जो लीगेंड नेम है उसे हम क्या करेंगे ब्रैकेट में प्लेस करेंगे ठीक है जी। ये रूल्स है। नाउ लेट्स स्टार्ट नेम ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स कैसे देते हैं। इफ टू मेटल एटम्स आर प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स थ्रू ब्रिज लिगेंड, तो कॉम्प्लेक्स पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहलाता है, और उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो ये म्यू का साइन है सब ब्रिजिंग फॉर ब्रिजिंग। फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है ये OH हाइड्रोक्सो ठीक है, ये ब्रिजिंग लिगेंड। इसके शुरू में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये साइन लगाना पड़ेगा म्यू का, दैट शोज टू अ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स ठीक है जी। अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना ये लिगेंड है, ये लिगेंड, ये दोनों सेम लिगेंड, और इन लिगेंड का नाम क्या है इथाइलीन डायमीन। अब इथाइलीन डायमीन में वर्ड यूज हो रहा है डाई राइट, लिहाजा क्योंकि ये टोटल चार है, चार इथाइलीन डायमीन है, तो हम ये नहीं कि लिख सकते कि टेट्रा इथाइलीन डायमीन, ऐसे नहीं लिख सकते राइट, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर डाई ट्राई टेट्रा का वर्ड, डाई ट्राई का वर्ड है। लिहाजा हम इसके लिए क्या करेंगे एक स्पेसिफिक नाम यूज करेंगे नंबर शो करने के लिए, हम उसे कहेंगे टेट्राकेस, जैसे पीछे मैंने बताया। सो टेट्राकेस डैश ब्रैकेट में लिखना है इथाइलीन डायमीन ब्रैकेट क्लोज। अब आना है ब्रिज के ऊपर, अब ये ब्रिजिंग लिखेंगे, तो ब्रिजिंग के लिए ये म्यू डैश डाई हाइड्रोक्सो, डाई हाइड्रोक्सो दो हाइड्रोक्सो है डाई हाइड्रोक्सो। अब ये क्या है कोबाल्ट है, और ये कोबाल्ट कितने हैं दो हैं, डाई कोबाल्ट। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन कितनी है आपने शो करनी है ऑक्सीडेशन थ्री रोमन में, और फिर आप ये अब कॉम्प्लेक्स का नाम यहां तक खत्म हो गया, यहां तक इसका नाम खत्म हुआ है जी, ये कॉम्प्लेक्स का नाम। अब ये जो काउंटर आइन है ठीक है, इसका आप नाम रखें, नाम लिखेंगे ये क्या नाम है जी डाइथायोनेट ठीक है, इसका नाम हमने डाइथायोनेट। अब सेम यहां पर आते हैं, अब ये देखें कि ये है जी अमोनिया अमाइन। अब ये कितने अमाइन है, चार यहां है चार यहां है, आठ अमाइन, और इसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम इसे पहले लिख रहे हैं ठीक है। हाइड्रोक्सो का नाम एच से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम इसको बाद में लिख रहे हैं, सेम वॉज हेयर। अब अमाइन के नाम के अंदर कहीं पे भी डाई ट्राई टेट्रा नहीं आता, लिहाजा अब हम लगा सकते हैं इसके नाम को शुरू में, तो चार ये हैं चार ये आठ हो गए ऑक्टा अमाइन। उसके बाद ब्रिजिंग को म्यू एन टू डाई हाइड्रोक्सो डाई कोबाल्ट थ्री, आपने बीच में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लगाए, एंड देन दिस इज सल्फेट। इसके साथ डाई ट्राई लगाने की जरूरत नहीं सल्फेट के अंदर, कॉम्प्लेक्स में ये रूल।
अच्छा अब आप इसमें देखें, कैन यू प्लीज राइट द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ये सारे इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखे जरा, ठीक है, और फिर शेयर इट इन द योर असाइनमेंट, असाइनमेंट में आपसे शो करें, ठीक है जी। जैसे इसको मैं जरा एज एग्जाम्पल उठाता हूँ, फिर आपको देखते हैं। अब सबसे पहले जो है ना, आप ये देखें कि इसमें अमोनिया कितना है, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 4 कितने हो गए, 12 को कहते हैं डू डेका अमीन आ गया। हेक्सा म्यू कितने हैं, हाइड्रोक्सो ठीक, हेक्सा हाइड्रोक्सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोक्सो। कोबाल्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4 टेट्रा कोबाल्ट 3 आयन ठीक है। अब हम लिगेंड एब्रीवेशन पर आते हैं, ये भी यूज होते हैं, जैसे इथाइलिन डाइमीन के लिए एब्रीवेशन EN, ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन के लिए ट्राइन, एसिटाइल एसीटोनेट के लिए एकेक, एंड सो ऑन। ये आप देख लीजिएगा, ये सारे इसी के एब्रीवेशन। अब आप न्यूट्रल एटम का कि अगर आप लिखना चाहें, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायन, द नेम ऑफ मेटल इज रिटन एज फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। यानी आपने क्या करना है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो मेटल का नाम एज इट इज लिखेंगे और उसके आखिर में ऑक्सीडेशन स्टेट लगा देंगे। अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तो ऐसा नहीं कर सकते, फिर आपने क्या करना है कि नेम ऑफ मेटल आयन को आपने एंड करना है ATE से और उसके आखिर में उसको रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर आपके पास एनाइन कॉम्प्लेक्स है तो अगर उसमें टाइटेनियम है तो टाइटनेट ठीक है, राइट, वेनेडियम है तो वेनेडेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, क्रोमेट, मैग्नेट, फेरेट, निकलेट, क्यूपरेट, जिंकेट, प्लैटिनेट एक्सेट्रा, अगर एनाइन कॉम्प्लेक्स। सो हम पहले कैटाइन कॉम्प्लेक्स के कोई नाम देख लेते हैं, जैसे ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। अब आप देख लें इसमें एब्रीवेशन भी यूज हुई है सारा कुछ। अब आपको पता है कि सबसे पहले अब ये लिगेंड को नाम देना है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में हमने लिगेंड को नाम दिया। लिगेंड को नाम देने के लिए सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे, न्यूट्रल लिगेंड यूनिक कॉम्प्लेक्स है कि अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन सा है, कोबाल्ट, फिर क्लोराइड, फिर इथिलीन डायमीन, फिर ये आपके पास नाइट्रेट आ रहा है। तो सबसे पहले हम जो नाम देंगे वो क्लोराइड को देंगे, क्लोरो को, तो हम लिखेंगे क्लोरो, ठीक है, दिस इज क्लोरो। उसके बाद इथाइलीन डायमीन या इथेन 1,2-diamine या इथाइलीन डायमीन, डाई आ गया तो इससे शुरू में आपको लगाना पड़ेगा बेस ब्रैकेट इथाइलीन डायमीन, उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स का नाम, दिस इज कॉल्ड नाइट्रीटो, उसके बाद क्या है कोबाल्ट 3-ion, क्योंकि ये न्यूट्रल है या पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, ठीक है, ठीक। कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट 3 है तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के +1 चार्ज होगा, तो ये कोबाल्ट 3-ion। नीचे वाला अगर आप देखें तो यहाँ अगर आप देखें तो 2 क्लोराइड है, 2 वाटर है, तो पहले वाटर का ए एक्वा, एक्वा और क्लोरो सी बाद में आता है, तो हम कहेंगे टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम 3-ion। इसी तरह आप देखें डाई अमीन सिल्वर 1-ion टॉलरेंस रीजन कहलाता है, एंड सो ऑन। जैसे ये है इसका नाम होगा बेस इथाइलिन डायमीन कॉपर 2-ion। अब अगर एनाइन हो तो उसका एंड ATE से कहेंगे, जैसे देखें हेक्सा सियानो फिरेट 3-ion, हेक्सा सियानो फिरेट 2-ion, ये देखें जी हेक्सा सियानो निकलेट 2-ion, ये देखें जी इसको अल्फाबेटिकली देखें अमाइन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनेट 2
आइन, ठीक है, इसके बाद ट्राई आयोडो मर्क्यूरेट टू आइन एंड सो ऑन। इसी तरह ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो सिंपल कैटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन की एग्जांपल आ रही है। अब ये देखें पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है। सबसे पहले नाम पोटाशियम होते हैं, लिखना पोटाशियम किन दो कैटाइन है, पोटाशियम ठीक, दिस इज कॉल्ड पोटाशियम। उसके बाद अभी मैं अल्फाबेटिक देखें नाइट्रो एनसियान, तो पहले क्या लिखना है पोटाशियम पेंटा सियानो नाइट्रोसाइल कोबाल्ट टू, ठीक। सो इसकी तरह प्रैक्टिस करें आप सारे लोग। दिस इज ऑल्सो द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस, सेम दिस इज अ कैटायन एंड सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्सेस, देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल। इसी तरह जो न्यूट्रल लिगेंड होगा उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको करना पड़ेगा, जैसे कॉम्प्लेक्स कैटाइन सिंपल एनायन में अगर आप देखें तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास डाइअमीन सिल्वर वन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन्स एंड कैटाइन्स, इसमें आप दोनों कैटाइन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स है, अगर ऐसा है तो फिर क्या करना है, आपने कैटाइन का पहले नाम देना है, ये कैटाइन है इसको पहले नाम देना है। आपने लिखना है टेट्राअमाइन डाइक्लोरो, ठीक है, प्लाटिनियम फोर फिर टेट्राक्लोराइड प्लाटिनेट टू, ये आ गया। इसी तरह इसमें पहले आपने इसको देना है, फॉर एग्जाम्पल टेट्राअमाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट थ्री देन हेक्सासियानो क्रोमेट 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 टू। इसी तरह लास्ट वाले को देखें, इसमें है कि जी सबसे पहले इसको नाम देना है, आपने कहना है ट्रेस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम थ्री देन एक्वा, इसकी वजह से एक्वा पेंटासियानो निकलेट टू। सो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोई इशू ही नहीं है, वो तो उसमें ना कॉम्प्लेक्स कैटाइन है ना एनायन है, सीधा सीधा नाम है, लेकिन रूल्स वही है कि पहले लिगेंड का नाम देना है पर्टिकुलर और फिर उसका मैट्रिक। सो दिस इज टेट्राकार्बोनाइल निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल जीरो। इसी तरह बेस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट ऑक्सीमेटो निकल टू, ठीक है। सो ब्रिज लिगेंड का नाम अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है इसकी भी एग्जाम्पल देखी है, तो आप इन सारों की एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस भी प्रसिद्ध है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सीरीज का नाम अगर आप देखना चाहते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सीरीज है डाई ऑक्सो जिंकेट, ठीक है, आइन एक्सासियानो फिर एट आइन, ठीक है, एक्सासियानो फिर एट टू थ्री आइन एंड टू आइन, ठीक है। उसके बाद हेक्सानाइट्रिटो कोबाल्ट एट थ्री आइन। इसी तरह हाइड्रोजन टेट्राक्लोरो और ये थ्री आइन, अच्छा हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरो फोर एट आइन, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लाटिन एट आइन एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह देयर आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ दीस कॉम्प्लेक्सेस, तो आपने इसको भी जरा नोमेनक्लेचर भी इनका देखना है और इनके एक कॉमन जो है नेम्स भी मौजूद है, ठीक है, वो भी आपको। सो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ तक है कि हमने इसके नोमेनक्लेचर को देखना है। नेक्स्ट जो है कल हम फिर वो नर्सरी पर वापस आते हैं एंड देन वी विल डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स लिमिटेशंस एंड देन नेक्स्ट वीक पर शिफ्ट।